वृत्तिरिष्टो न्यासोथ वेद्योपि बुधै सदैव एकांतिकैः तत्वविचार दक्षैः एकांतिकैः तत्वविचार दक्षैः परात्मनिष्ठैः परमास्तिकैस्तैः अप्रपत्ति का अधिकारी कौन है? कल हम ये चर्चा कर चुके हैं कि कर्म योग में भी अधिकार है, अधिकार अनधिकार है। ज्ञान योग में भी इहा मूत्र फल भोग विरागः अंतर्मुखता चित्त की विनिर्मलता और एकाग्रता ये सब अपेक्षित हैं। और कर्मानुष्ठान में तो अधिकार अनधिकार की बात स्पष्ट ही है, भक्ति योग में भी अधिकार और अनधिकार की बात है। केवल एक भगवत शरणागति ही ऐसी है जिसमें केवल मनुष्य नहीं जड़ चेतन सबकी शरणागति। कल हमने चर्चा की थी श्रीमन महाप्रभु जी का जो एक शरणागति का गद्य है जिसमें अंतिम में श्री कृष्ण तवास्मी है, तो उसमें ये बात स्पष्ट है, अपने सहित लोक परलोक ग्रह कुटुंब धन स्त्री पुत्र पशु सब आत्मना सह अपने सहित श्री कृष्ण के चरणों में हम निवेदित करते हैं, हे श्री कृष्ण तवास्मी हम आपके। अब देखो अब घर तो जड़ पदार्थों से बना हुआ है, उसे प्रपत्ति नहीं करनी पड़ी, पर शरणागत की शरणागति के साथ ही ग्रह भी प्रपन्न हो गया। ग्रह के सारे उपस्कर सारे घर के पदार्थ भी प्रपन्न हो गए। इसीलिए लगता है कि आचार्यों ने दाक्षिणात्य आचार्य श्री यामुनाचार्य जी ने कहा है कि हे भगवान तव दास्य सुखैक संगिनाम, आपके दास्य के दास्य का सुख जिन्हें प्राप्त हो चुका है, ऐसे जो आपके प्रपन्न शरणागत आपके निष्काम दास निष्काम सेवक आपके भक्त हैं, उन भक्तों के घर की नाली का कीड़ा हमको बना देना। किंतु यदि भगवत सेवा सुलभ न हो, भागवतों का संग सुलभ न हो, तो हमको ब्रह्मलोक का भी निवासी मत बनाना। घर की नाली के कीड़े का तात्पर्य क्या है? प्रत्येक पदार्थ भगवान को निवेदित होगा, भगवान का चरणामृत भगवान का अधरामृत, और उसको फिर भागवत ग्रहण करेंगे, भागवतों का पाद प्रक्षालन होगा और वो प्रसाद तृप्त होकर पावेंगे और फिर कुल्ला आदि करेंगे, तो भागवतों का चरणामृत और भागवतों का अधरामृत भी हमें कीट के रूप में भी सुलभ हो जाएगा, नाली में पड़े पड़े भी सुलभ हो जाएगा, तो हम अपने को भाग्यशाली अनुभव करेंगे। धन्य है धन्य है। इसी बात को जगत गुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य भगवान 102 में श्लोक में कह रहे हैं, सर्वे प्रपत्ते रधिकारिणो मता शक्ता अशक्ता पदयोर जगत प्रभो नापेक्ष्यते तत्र कुलं बलंच नापेक्ष्यते तत्र कुलं बलंच
नापेक्षते तत्र कुलं बलंचनो न चापि कालो न च शुद्धतापि वै न चापि कालो न च शुद्धतापि वै। कल हमने एक बात स्मरण कराई थी, आपको स्मरण में होगा। शास्त्र की दृष्टि से माताओं का जो स्त्री धर्म है, उस काल में उन्हें अपवित्र माना जाता है। अब इसकी एक बात भी हमने बताई थी कि भगवान की बड़ी सुंदर व्यवस्था है, पुरुष वर्ग को भी अवकाश मिलता है। चार दिन पुरुष वर्ग के लोग घर का काम करें, रसोई बना में सब काम करें, हम चार दिन माताएं विश्राम करें, अच्छी बात है। सही समानता का अधिकार तो हमारे शास्त्रों ने दिया है, बाकी तो कोरी राजनीति है। हम केवल बात निवेदन कर रहे हैं कि उस अशुद्धावस्था में जब द्रौपदी केवल एक वस्त्र में है और उस अवस्था में उसने श्री कृष्ण की प्रपत्ति की, शरणागति की, हमने पूज्य गुरुजनों से सुना है द्रौपदी तो भगवान की परम भक्ता है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन प्रपत्ति जो है ना उसमें अन्याश्रय की गंध भी सही नहीं है। वाणी मात्र से भी अन्याश्रय नहीं होना, मन से तो बात बहुत दूर की बात है, अन्याश्रय नहीं होना चाहिए। हमको तो एक ही उदाहरण समझ में आता है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को बांध दिया। और थक गया था हनुमान जी, जैसे महान पराक्रमी से उसका युद्ध हुआ था, थक गया था, थोड़ा विश्राम करने लगा, तो राक्षसों ने वो नहीं समझा कि ये मंत्रात्मक बंधन है। अरे बोले, ये तो बहुत बलिष्ठ बानर है, ये तो छोटी सी पतली सी रस्सी कब तोड़ दे पता नहीं। तो सन बलकल से मोटे मोटे सन के रस्सों से हनुमान जी को बांध दिया। जैसे ही रस्सों का स्पर्श कराया तो ब्रह्मास्त्र विलुप्त हो गया। अब फिर मेघनाद ने राक्षसों को बहुत धिक्कारा है, तुम महामूर्ख हो, अब ये बानर हमारे हाथ में नहीं आ सकता। मंत्रात्मक बंधन से मुक्त होने का सामर्थ्य इसमें नहीं था, लेकिन अब इस बंधन, ये कुछ नहीं है इसकी शक्ति के आगे। लेकिन हनुमान जी को तो अपनी कार्य सिद्धि करनी थी, इसलिए वो जानबूझकर मैं बंधा हुआ हूं ऐसा अभिनय करते रहे। तो ये उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं कि जैसे ब्रह्मास्त्र अन्य किसी अस्त्र के बंधन को सहन नहीं करता, ऐसे ही ब्रह्मास्त्र से भी अनंत अनंत गुणित उत्कृष्ट जो प्रपत्ति का भाव है, वो भाव अन्य किसी के भी आश्रय को सहन नहीं करता। संबंध गंधो, तो द्रौपदी, उसको पहले तो यह था कि यहां अत्यंत सामर्थ्यवान हमारे पांच पति विराजमान हैं, यहां मेरा कुछ नहीं हो सकता, पर वहां से भी निराशा हुई। फिर मन में आया कि जहां पितामह भीष्म हो, गुरु द्रोणाचार्य कुलगुरु कृपाचार्य हो, वहां भला मेरा अनिष्ट कैसे हो सकता है, मेरे लज्जा को
नष्ट करने में भला कौन समर्थ हो सकता है? मेरा तिरस्कार कोई नहीं कर सकता। लेकिन वहां से भी निराशा हो गई। तो महाराज जी, आचार्यों का भाव है कि जब सब ओर से निराश हो गई द्रौपदी, अब कोई उपाय नहीं बचा, तो उसने एक बार पुनः कृपाचार्य की ओर देखा। ये भाव दाक्षिणात्य आचार्य श्री स्वामी पराशर भट्टाचार्य का भाव है। कृपाचार्य जी की ओर पुनः क्यों देखा? इसलिए देखा कि आपके नाम में कृपा शब्द जुड़ा हुआ है, और आचार्य तो कृपा का ही स्वरूप होता है, और आप तो कृपाचार्य ही हैं। तो आप कृपा नहीं करेंगे तो आपका नाम व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए अपने नाम को अव्यर्थ करते हुए अपनी संज्ञा को केवल संज्ञा नहीं अन्वर्थ संज्ञा सिद्ध करते हुए आप हमारे ऊपर कृपा करें। अब वहां राजाज्ञा के बिना कुछ कहा नहीं जा सकता था। राजाज्ञा हो तब राज दरबार में कोई बोले, अब बोले तो सबसे पहले भीष्म जी बोले, क्योंकि वो कुटुंब परिवार के हैं। वही नहीं बोल रहे तो मैं क्या बोलूं? लेकिन द्रौपदी पूछ रही है, समर्थ व्यक्ति से प्रश्न किया जाए और वह उत्तर न दे, उसकी जिज्ञासा का समन्वय करे, तो उस वह अपराधी होता है। हाँ, अनधिकारी हो और आप हाथ जोड़ लो, भैया हम नहीं जानते तो हम मूर्ख ही समझ लो, वो तो ठीक है। लेकिन उत्तम अधिकारी सन्मुख है और वह जिज्ञासु के भाव से कोई जिज्ञासा कर रहा है, प्रश्न कर रहा है, और हम उसका समाधान करने में समर्थ हैं, तो हमें बिना किसी संकोच के उसका समाधान करना चाहिए। अयोध्या के एक महापुरुष थे, पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज, एक बहुत अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे कि इतनी लंबी चौड़ी गीता सुनाने के बाद अर्जुन को जो ज्ञान हुआ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, वह ज्ञान द्रौपदी को बिना एक श्लोक के बोले संकेत मात्र से हो गया। भगवान का अनुग्रह होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, तो ज्ञान बोलने से नहीं संकेत में ज्ञान हो जाता। कृपाचार्य जी ने शास्त्री जी ऐसे किया, पैसे बैठे थे, द्रौपदी जी ने देखा तो कृपाचार्य ने ऐसे किया। इसका मतलब अनेकों की ओर मत देख, एक श्री कृष्ण का आश्रय ले। और जैसे ही द्रौपदी ने पुकारा, उस अशुद्ध अवस्था में भी द्रौपदी की शरणागति तत्काल स्वीकार हुई। तत्काल द्रौपदी की शरणागति स्वीकार हुई, और ऐसी अद्भुत स्वीकृत हुई शरणागति कि उस अशुद्ध अवस्था में द्रौपदी का वस्त्र भगवान बन गए। अरे वो तो सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन प्रपन्नों के ऊपर वो कितना अनुग्रह करते हैं। द्रौपदी के श्री अंग का आवरण ही भगवान बन गए। ये है भगवान। इसलिए नापेक्षते तत्र कुलम बलं चनो नचापि कालो नच शुद्धतापि वै। इसीलिए बहुत प्रसिद्ध है, न धर्म निष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविन्दे अकिंचनो नन्यगतिः शरण्यं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। आगे आचार्य चरण कह रहे हैं, धर्मत्यागोपि परमै कांतिकै रुच्यते वरै इत्थं हि कर्मणां त्यागः स्वरूपस्याखिलस्य च। जो परमै कांति भगवान के भक्त हैं,
अनन्य भाव से जो प्रपन्न शरणागत भक्त हैं, कहते हैं वरई ही परमांत कई ही, ये वरई ही विशेषण है परमांत कई। वरई ही का अर्थ है उनकी कोटि सामान्य नहीं है, विशिष्टतम कोटि है परमई कांति भगवान के भक्तों की, अति विशिष्ट कोटि उनकी है। ऐसे वरई ही परमांत कई ही धर्म त्याग अपि उच्यते। और सच्ची बात है धर्म त्याग उनके द्वारा होता नहीं है, धर्म ही उनको नमस्कार करके निवृत्त हो जाता है, क्योंकि उस धर्म में यदि वह सकाम भाव से अनुष्ठित हुआ है तो उसमें लौकिक पारलौकिक भोगों के भोगों को प्रदान करने की शक्ति होती है, और यदि वह अत्यंत निष्काम भाव से कर्तव्य बुद्धि से उसका अनुष्ठान किया गया है तो अधिक से अधिक वह अपवर्ग ही अपवर्ग दे देगा, मोक्ष भी देगा। तो ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरही कांक्षे। भोग भी अपेक्षित नहीं है और मोक्ष भी अपेक्षित नहीं। तो इस ऐसी कोटि जिन भाग्यशालियों की हो चुकी है उनको तो वरई ही कहना ही पड़ेगा, तो धर्म ही उनको नमस्कार कर लेता है। देखिए हम सावधान कर रहे हैं कि आप इसका अन्यथा अर्थ न समझें। स्थिति यह है आज महाराज जी, भगवान में प्रेम तो है ही नहीं, मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा लोक व्यवहार इसमें ही हमारी प्रीति है, ईमानदारी से भगवान में प्रीति कहाँ है। अभी शास्त्री जी ने 10 लक्षण बताए, क्या उनमें से ईमानदारी से एक लक्षण भी क्या जीवन में अनुभूति में आता है कि ये लक्षण हमारे में है? बहुत कठिन है। स्थिति तो हमारी है ये, और हम मिथ्या आवेश में और भागवत धर्म की दुहाई देकर वैदिक धर्म को तिलांजलि दे देते हैं, संध्योपासनादि कृत्य को तिलांजलि दे देते हैं, तो वो हालत उसके जैसी होती है। एक कहावत है, दो ही दिन से गए पाड़े, हलुआ मिले न माड़े, कहीं के नहीं रहे, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। इसलिए हम सावधान कर रहे हैं कि जब तक वैसी अंतकरण की स्थिति न हो तब तक वेदाज्ञा का, ये भगवदाज्ञा है ऐसा मानकर श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए। श्रीमद आचार्य चरण परमई कांति भक्त हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कहीं अपमार्ग में न भटक जाएं, इसके लिए स्वयं त्रिकाल स्नान और त्रिकाल संध्योपासन करते हैं। क्योंकि यद्ययम न वर्तेयम, यदि मैं स्वयं न करूं तो उत्सी दूर मेरे लोका उपन्यामी महाप्रजा। इसलिए भगवान ब्रह्मन धर्मस वक्ताहम कर्ता तदनुमोदता तत् शिक्षयन लोक मिमो मास्थितः पुत्र माखिद। नहीं, आचार्यों को इनकी आवश्यकता नहीं, अरे वो सब करते हैं हम लोगों को सिखाने के लिए। कृष्ण करणामृत का एक श्लोक है, श्री विल्व मंगल जी कह रहे हैं, संध्या वंदन
भद्रमस्तु भवतः भोष्णान तुभ्यं नमो भूदेवा पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षमः क्षम्यताम। ये सब आप साधन मार्ग का त्याग कर देंगे तो आपका पाप नाश कैसे, बोलो इसकी भी परवाह नहीं है। अरे पापी में पाप कर्म करने की उतनी शक्ति कहाँ है, कृष्ण नाम में पापों के नाश की जितनी सामर्थ्य। अब तुम्हारे विधि मार्ग में बहुत विधि निषेध है, और हमारे यहाँ यत्र क्वापि निषद्य, यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तंसस्य कंसद्विषः स्मार स्मार मघं हरामि तदलम मन्ये कि मन्ये न मे तत् अलम। हमारे परम कल्याण के लिए कृष्ण नाम ही पर्याप्त है और किसी साधनांतर के आश्रय की हमें आवश्यकता ही नहीं। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि विल्व मंगल जी के जैसी स्थिति हो जाएगी कृष्ण प्रेम की, कृष्ण विरह की, व्याकुलता की, तो अपने आप छूट जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं अनर्थ ना करें। तो आचार्य चरण कह रहे हैं धर्म त्यागोपि परमई कांतिकई रुच्यते वरई ही इत्थम ही कर्मणाम त्याग स्वरूपस्याखिलस्य च। कहते हैं जो श्रेष्ठ परमई कांति प्रपन्न भक्त हैं वे विहित कर्म का त्याग भी कई बार उनके द्वारा हो जाता है। और इस प्रकार से संपूर्ण कर्म का त्याग इत्थम ही कर्मणां त्यागः स्वरूपस्याखिलस्य च, इसका अर्थ है अखिलस्य स्वरूपस्य ही त्यागः, स्वरूपतः उसका त्याग। शास्त्रों के निष्णात जो मर्मज्ञ विद्वान भक्त हैं वो इस प्रपत्ति के भाव को किसी साधन या किसी पुरुषार्थ से जन्य नहीं मानते हैं, इसको भगवान के अनुग्रह का ही माने इसके मूल में भगवान का अनुग्रह ही है, अनुग्रह ही हेतु है इसमें। और ऐसे वे भगवत भक्त श्रेष्ठ होते हैं और ऐसे जो प्रपन्न शरणागत भक्त हैं उनके लिए जो कर्म वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य तथा फल प्राप्ति के साधन भूत हैं उनको धर्म कहा जाता है। वेद प्रतिपाद्यः प्रयोजन वदर्थो धर्मः, इस प्रकार धर्म का अर्थ होता है वेद विहित कर्म, अतः धर्म त्याग का अर्थ है विहित कर्म का त्याग। तो ऐसे जो परमई कांति प्रपन्न जन हैं वो भगवत भाव से जब अत्यंत भावित अंतकरण के होते हैं तो भगवान के अतिशय व्याकुलता पूर्वक स्मरण चिंतन मनन को उनकी लीला के अनुसंधान को छोड़ करके दूसरा साधन उनसे होता ही नहीं, बनता ही नहीं, वो क्या करें। भाई करें तो करें लेकिन वो होता ही नहीं उनसे। तो ऐसी स्थिति में वस्तुतः वो त्याग उपत्याग कर देते हैं। अपि शब्द से अधर्म का ग्रहण होता है, श्लोक में अपि शब्द आया है, तो इसका अर्थ है निषिद्ध कर्म को अधर्म कहा जाता है। और प्रपत्ति की एक विशेषता है वहां धर्म और अधर्म दोनों का सर्वथा त्याग करके तब प्रपत्ति होती है। और भगवान स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं सर्वधर्मान प्रत्यज मामेकम शरणम ब्रज अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षेष्यामासि च। तो अधर्म की भांति धर्म का भी वो त्याग कर देते हैं।
लेकिन धर्म त्याग का दोष उनको नहीं लगता। पंडित श्री गंगा दत्त जी ने एक घटना लिखी है, मैं नाम भूल रहा हूं, एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष का नाम उन्होंने लिया है कि वो वृंदावन की बात है। बात लगभग 100 साल पुरानी होगी। तो जलपात्र लेकर के संत एक वृक्ष के नीचे, सघन वृक्ष तो वृंदावन में थे ही, शौच के लिए बैठे। अभी बैठ नहीं पाए थे कि उस वृक्ष से आवाज आई, मैं काशी का सदाचारी पवित्र वेदज्ञ ब्राह्मण हूं, मेरी छाया में युगल सरकार श्यामा श्याम आकर तनिक विश्राम करते हैं, आप संत हैं, इस स्थल को अशुचि मत बनाइए। तो उनके हाथ में तो जलपात्र था ही, कान पर जनेऊ था। उन्होंने कहा कि अरे आप, काशी तो मुक्ति का क्षेत्र है, वहां मुक्ति का सदाव्रत भोले बाबा बांटते हैं, तो तुम वृंदावन में वृक्ष की योनि में कैसे प्राप्त हुए? उन्होंने कहा कि भक्ति ग्रंथों को पढ़ करके भक्ति की महिमा हमारी समझ में आई, और फिर भक्ति बनी तो नहीं हमसे, पर भक्ति ग्रंथों का अध्ययन करते करते मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि मुझे अब मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे तो वृंदावन वास चाहिए, क्योंकि उद्धव जैसे ब्रह्मविद वरिष्ठ भी वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधि नाम। तो हमने परम भागवत शिव जी से प्रार्थना की, प्रभो काशी में मर के भी हमको मोक्ष नहीं चाहिए, हमें वृंदावन का वास चाहिए। यदि मैंने विशुद्ध भगवत प्रेम के जागृत होने के बाद वैदिक कर्मों का त्याग किया होता तो संभवतः मुझे वृक्ष न बनना पड़ता। मैं सीधे प्रिया प्रीतम की निकुंज सेवा में पहुंच जाता। लेकिन चलो, भक्ति ग्रंथों के स्वाध्याय का इतना फल हमको मिला कि हम वृंदावन के वृक्ष बने, और इसमें हम परम संतुष्ट हैं, आप यहां मल त्याग ना करें। पंडित श्री गंगा दत्त जी ने घटना लिखी। इस बात को देवर्षि नारद जी और व्यास के संवाद में भी इस बात को स्मरण किया गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, इत्थम ही कर्मणाम त्याग स्वरूपस्याखिलस्य च, यदि धर्म का त्याग केवल कर्मणाम त्याग, कर्मों का त्याग, कर्म त्याग किया जाता है, तो फिर वहां एक शंका हो सकती है कि प्रपन्न के लिए फलेच्छा पूर्वक किए जाने वाले कर्म त्याज्य हैं, अतः फलेक्षा पूर्वक काम्य कर्मों को नहीं करना चाहिए। यह अर्थ स्पष्ट होगा। लेकिन दूसरा अर्थ माने ध्वनि, उसकी दूसरी जो ध्वनि निकलेगी इस वाक्य की, वो दूसरी ध्वनि यह होगी कि फलेक्षा से शून्य होकर कर्मानुष्ठान तो करना ही चाहिए। उसका भाव यह आ जाएगा। तो यहां आचार्य चरण कह रहे हैं कि फलेच्छा पूर्वक किए जाने वाले कर्म त्याज्य हैं, अतः फलेच्छा पूर्वक काम्य कर्मों को नहीं करना चाहिए, बिना फलेच्छा के उन कर्मों को करना चाहिए, ये बात कहीं कोई न कहने लग जाए, इसके लिए आचार्य चरण ने कहा कि संपूर्ण कर्म के स्वरूप का ही त्याग प्रपन्नों के द्वारा हो जाता है, और उसके त्याग का दोष उनको नहीं लगता है। भक्त और प्रपन्न दोनों के लिए फलेक्षा पूर्वक काम्य कर्म त्याज्य हैं, किंतु
भक्त जो है वो फलेच्छा को त्याग करके काम्य कर्म का अनुष्ठान कर सकता है भक्त, किंतु भक्ति के ही उत्कृष्टतम भाव का नाम प्रपत्ति है, और वो प्रपन्न जो भक्त है वो उसको नहीं कर सकता। अब देखिए एक छोटा सा उदाहरण हम दे रहे हैं। वृंदावन के ठाकुर हैं श्री बांके बिहारी लाल जी। वैसे तो कई ठाकुर हैं वृंदावन में, पर वर्तमान समय में अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी के ठाकुर श्री बांके बिहारी जी सर्वाधिक भीड़ भी वहीं दर्शन में होती है, और बड़े प्यारे लाडले ठाकुर हैं श्री बांके बिहारी जी महाराज। स्वामी श्री हरिदास जी ने उनको प्रकट किया, और श्री विठल विपुल देव जी महाराज ने भी उन्हें अपने करकमल से सेवा की। द्वितीय आचार्य हुए, और तृतीय आचार्य श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज हुए, जिनको बड़े आदर से स्वामी जी की परंपरा में गुरुदेव जी कहा जाता है, नाम नहीं लेते, श्री गुरुदेव जी बिहारी देव जी महाराज। अद्भुत वाणी है बिहारी देव जी की। सेवा श्री स्वामी बिहारी देव जी के हाथ में आई, बिहारी जी की सेवा। अब उनकी स्थिति ये थी बिहारी देव जी महाराज की, कि करुआ लेकर के यमुना जी के पुलिन में विराजमान हैं और प्रभाती कर रहे हैं, और आहरनिश रस समाधि भाव समाधि लगी हुई है, तो उसी समय आपने एक पद गाया, लाल बिहारी बिहरत श्री यमुना तीरे धीरे धीरे, गाया उन्होंने। अब स्थिति यह हुई कि जैसे यंत्र क्रिया करता है ऐसे प्रभाती मुख में घूमती रही, और मुख से रक्त की धार बहती रही, और 3 दिन 3 रात तक वो प्रभाती ही करते रह गए। और बिहारी जी 3 दिन 3 रात तक मंगला श्रृंगार राजभोग सैन सब जय सियारा। सघन वृंदावन था, कुंज कुंज में ठाकुर थे, कोई ईंटा पत्थर का निर्माण नहीं था। तब किसी ने कहा कि वो तो अपने कुंज में है ही नहीं बिहारी देव जी महाराज, कहाँ हैं? तब खोज हुई तो श्री युगल घाट जो है वहाँ आप बस उसी भाव में बस गा रहे थे, मुंह से रक्त की धार बह रही थी। तब संतों ने उनको चेत कराया, और इसके बाद उन्होंने रोते हुए कहा कि बिहारी जी आप किसी दूसरे से अपनी सेवा ले लो, हमसे ये भी नहीं होगा। तो ये उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं कि जहां ऐसी अवस्था आ गई है, जहां अपने आराध्य की सेवा भी नहीं बन पा रही है, ऐसा प्रगाढ़ चिंतन लीला का बना हुआ है, अपलक नेत्रों से युगल की रसकेली का दर्शन हो रहा है, वहां फिर किसी कर्म में फलेच्छा त्याग पूर्वक प्रवृत्ति हो जाए, ये कैसे संभव है? इसलिए प्रपन्नों की शरणागतों की एक कोटि ये भी है कि फिर उनसे कुछ होता ही नहीं। केवल एक काम होता है, मृगयुरिव कपींद्रम विव्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रीजितः कामयानां बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांशवद्यः तदलमसित सख्यै दुस्त्यजस तत्कथार्थः। इसके अतिरिक्त वो बिचारे करेंगे ही क्या, क्या कर सकते हैं? और श्री यमुना जी कृपा करें, श्री महाप्रभु जी कृपा करें, श्री गिरिराज जी श्रीनाथ जी कृपा करें,
हम लोगों को इसी जीवन में यह अवस्था कभी सौभाग्य से प्राप्त हो जाए तो क्या कहना, फिर हम लोगों का देह धारण करना सफल हो जाए। अब एक ही श्लोक पर्याप्त है क्योंकि फिर दूसरी चर्चा नहीं हो पाएगी, तो 6 बज रहे हैं। अब भागवत जी का थोड़ा सा क्रम चला लेते हैं और आप जब प्रस्थान करना चाहें तब आप कृपा पूर्वक। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।